بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. आज के इस मुबारक मौके को, आज के इस मुबारक दिन को, कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अबू तालिब को मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अली अता फरमाए, तो जो फरमाए मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अबू तालिब को मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अली अता फरमाए। रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए तो वालिद नहीं थे। कुछ अरसे के बाद वालिदे गिरामी भी दुनिया में ना रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सौंप दी, परवरिश की। और कुछ अरसे के बाद जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ने अब अपने नबी, अपने आखिरी नबी, सरदार अंबिया की परवरिश के लिए अबू तालिब की आगोश को पसंद फरमाया। ये एक इंतखाब है कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को अपना ये एहसान याद करवाता है, फरमाता है: अलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या उस अल्लाह ने ऐ रसूल आपको यतीम पाकर पनाह फराहम नहीं की? अब आप सारी दुनिया से सवाल कर लें, जो अच्छा कहते हैं उनसे पूछ लें, जो बुरा कहते हैं नहीं मानते उनसे पूछ लें, ये जो अल्लाह फरमा रहा है आपको यतीम पाकर पना नहीं दी, ये पना से मुराद किसकी आवश है? नबी ने पना है। और एक और इंतखाब, जब जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के नबी की परवरिश की जिम्मेदारी ली, तो कुरान के फॉर्मूले के मुताबिक हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, जिन्होंने दुनिया में नेक काम किए होंगे ना, उनका सूरह रहमान में अजर बता के अल्लाह कहते हैं तुमने दुनिया में एहसान किया, मैं आखिरत में एहसान करूँगा, क्योंकि एहसान की जज़ा एहसान के सिवा कुछ नहीं। तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली, तो अबू तालिब के बेटे अली की परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने नबी को सौंपा। रसूलुल्लाह को जनाब अबू तालिब ने पाला, और जनाब अबू तालिब के बेटे अली को रसूलुल्लाह ने पाला। बड़े खूबसूरत बयान है जब मौला अपनी और रसूलुल्लाह की कंपनी को, साथ को बयान करते हैं। आपको पता है अगर आप अरबों का अदब पढ़े, उस जमाने का कलाम पढ़े, पता है कुरान में भी इसकी झलक आ गई है कि अरब जो है वो जो जानवर उनके पास उस जमाने में होते थे, तो
उनका जिक्र बहुत करते थे अपनी मिसाल में। अल्लाह ने भी कुरान में मसलन ऊंटों का जिक्र किया, अफला यंदुरूना इला अल-इबल कैफ खुलिकत, क्या इन्होंने ऊंट की तरफ गौर से नहीं देखकर कैसे खल्क किया गया। ठीक है, तो मौला अली भी रसूलुल्लाह के साथ जब अपने बचपन में साथ रहा करते थे तो उसकी मिसाल देते कि मैं ऐसे अल्लाह के नबी के साथ रहता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के साथ रहता। अब देखा, जिनको मौका मिल लो थोड़ा सा अलग होता है खेलने के लिए, थोड़ा सा भी खतरे का एहसास करे या ना भी करे बार बार अपनी माँ के पास आता है, माँ के साथ अपने चेहरे को मस करेगा, अपने बदन को मस करेगा। मौला फरमाते हैं कि मैं इस तरह रसूलुल्लाह के साथ मेरा बचपन गुजरा। लिहाजा शिया तो शिया है, अहले सुन्नत ने भी लिखा कि क्योंकि बचपन ही से अली की परवरिश रसूलुल्लाह की आगोश में हुई, लिहाजा सारी जिंदगी में ना अल्लाह के नबी ने किसी बुत को सजदा किया और ना अल्लाह के अली ने किसी को सजदा किसी बुत को, जो बचपन से ही जिसको रसूलुल्लाह पाक, आपको पता है अल्लाह के नबी ने किसी बुत को सजदा नहीं किया और अली तरबियत याफ्ता है रसूलुल्लाह बचपन से, तो लिहाजा नबी की आगोश में रहते हुए बुत परस्ती की आलूदगी ने कभी अली को नहीं छुआ। तवज्जो फरमा रहे, मैंने आपके सामने सूरतुल मुजादला कुरान मजीद अल्लाह की किताब 28वां ये जुज है कुरान का और इस 28वें जुज की ये पहली सूरा है, सूरह मुबारक है मुजादला, इसकी आखिरी आयत। एक हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने मौला अली से फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, अली तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर सिर्फ वो कि जो साहिब ईमान है, और सुने और तुझसे बुग्स, तुझसे नफरत, तुझसे दुश्मनी कोई नहीं रखेगा सिवाय उसके जो मुनाफिक है। और मुनाफिक से क्या मुराद है, जिसने जाहिर तो किया है मैं मुसलमान हूं, कलमा तो पढ़ लिया दिखावे का, लेकिन ईमान उसके दिल के अंदर नहीं उतरा। आज आप सुन लें ईमान क्या चीज है और उस ईमान से, ईमान का और अली से मोहब्बत का क्या रिश्ता है। ये अल्लाह के नबी ने किसी मसलक के लिए नहीं फरमाया, एक मियार दिया, कुछ अल्लाह के नबी ने मियारात दिए हैं अपनी उम्मत को ताकि जब अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए तो उम्मत उन मियारों के जरिए परखे सही और गलत बात को, हक और बातिल। अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी
और अल्लाह के नबी की जिंदगी की बात के बाद तक कयामत मोमिन और गैर मोमिन। मुनाफिक कौन होता है? जो अंदर से काफिर होता है ऊपर से मुसलमान बना होता है, इसलिए उसे मुनाफिक कहा जाता है। तक कयामत मोमिन और मुनाफिक की पहचान का मेयार अल्लाह के रसूल ने अली को करा दिया। किस लिए? ऐसे ही या कोई बेस है, कोई दास्तान है पीछे? अगर कोई यह समझे कि रसूलुल्लाह ने इस तरह की जो बातें की हैं, मसलन अल हसन व अल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, या जिस तरह मौला अली से कह दिया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबिदुका इल्ला मुनाफिक, या कह दिया मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला अल्लाहुम्मा वाल मन वालाहु व आद मन आदा, ऐ अल्लाह जो इस अली से, जो इस अली की विलायत को रखे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इस अली से दुश्मनी करे मुखालफत करे तू भी उसके साथ दुश्मनी कर। ये सिर्फ इसकी बेस अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, क्योंकि बचपन से पाला हुआ था अली को लाड प्यार में किया नहीं। अल्लाह का दीन लाड प्यार और रिश्तेदारी की वजह से मकामात अता नहीं करता। मैंने इसी मुकद्दस मकाम पर जैसा पहले बताया था कि अगर नबी के साथ खूनी रिश्ता होना, नबी की बीवी होना या नबी का बेटा होना अगर सबब बन जाता बख्शिश का, सबब बन जाता बुलंद मकामात का, तो वो नूह नबी जिसने 950 साल अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए अपनी कौम से ताने सुने, अपनी कौम की अजियतें बर्दाश्त की, जब उस 950 साल की खिदमत करने वाले बूढ़े बाप ने अपने बेटे के बारे में अल्लाह से बात करनी चाहिए, अल्लाह ने वो बात कबूल नहीं फरमाया। अल्लाह के दीन को कुरान से समझो, 9.5 हफ्ते नहीं थे, 9.5 महीने नहीं थे, 9.5 साल नहीं थे, 950 साल। अल्लाह ने कहा नूह ये तेरा अहल नहीं है। क्यों अहल नहीं है तेरा? इसका अमल खराब है। कुरान तो बड़ा वाज़ह है, इसका अमल खराब है। तो फिर ये मकाम कहां से आया? क्यों कहा जा रहा है अली को? क्यों मेयार करार दिया जा रहा है अली को? ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबिदुका इल्ला मुनाफिक। आज इस बात को समझ लीजिए कुरान की इस आयत की रोशनी। अल्लाह के नबी के फरमान हो या अहले बैत अतहार के फरामीन हो, क्यों फरमाया गया ये कुरान से जुदा नहीं है? आप इनकी जिस भी बात को देखेंगे उसका रिश्ता कुरान मजीद की किसी आयत से जुड़ा हुआ है। इस हदीस का जो हमारे अहले सुन्नत भाइयों की सही मुस्लिम एक किताब का नाम ले रहा हूं, वरना बहुत सी किताबों में सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने खुद जनाब अमीर से मौला अली से ये खिताब फरमाया था। क्यों? इसलिए कि मदीना के अंदर खास तौर पे जब इस्लाम को अल्लाह ने ताकत दे दी, इस्लाम को अल्लाह ने इक्तदार दे दी, मुसलमानों की तादाद अल्लाह ने बढ़ा दी, तो एक तादाद में मुनाफिक भी पैदा हो गए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया या माल दुनिया की लालच में या तलवार के डर से पहले नहीं कर रहे थे। जब तलवार सर पे लटकती दिखाई दी और सारा गरूर और तकब्बुर ऐसे जाहिलियत का अल्लाह ने अपने नबी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया, तो तब इस्लाम का ख्याल आया मुझे। अब सुनिए, पहले आयत सुनिए और फिर इस हदीस को समझिए। आयत क्या कहती है? सूरह मुजादला आयत नंबर 22।
अल्लाह मोमिनों की निशानियां बता रहे और बता रहे जो मोमिन है उसके अंदर ये सिफत कभी नहीं हो सकती। अल्फाज ये ला तजिदु कौमन, ए रसूल आपको ऐसी कौम नहीं मिलेगी। और जब अल्लाह कहे ना नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कहीं नहीं मिलेगी, उसका वजूद ही कोई नहीं। और अगर कोई कह रहा दावा कर रहा मैं हूं तो वो दो नंबर है, वो नहीं है। ला तजिदु कौमन, ए रसूल आपको ऐसी कौम नहीं मिलेगी, आप ऐसी कौम कहीं नहीं देखेंगे, कहीं नहीं पाएंगे। कौन सी कौम? युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान भी रखते हो। वो ईमान जिसे अल्लाह ईमान कहते हैं, ठीक है ना, हमारा मन घड़त वाला ईमान नहीं, ठीक है। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ और मेरी आदत है और बड़ी अच्छी आदत है कि मोमिन वो नहीं होता कि जिसको हम मोमिन कहें, मोमिन वो होता है जिसको अल्लाह और उसका रसूल मोमिन कहें, जिसको अहले बैत मोमिन कहें। उनसे चेक करवाएं, वो डॉक्टर हैं इस दीन की, ठीक है, उनकी लेबोरेटरी में चेक करवाएं, जा रहे ब्लड टेस्ट दें अपने ईमान का, क्या ईमान पॉजिटिव आता है या कुछ और पॉजिटिव आता है, ठीक है। ला तजिदु कौमन, तू ऐसी कौम नहीं पाएगा। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और कयामत पर भी ईमान रखते हो। युवादूना मन हादल्लाह, और अल्लाह के दुश्मनों के साथ दिल में मोहब्बत भी रखते हो। वलौमानू आबाअहुम, अगरचे वो अल्लाह के दुश्मन, ये जो लफ्ज है युवा तू, ये भी मवद्दत वाला लफ्ज है, ठीक है। मन हाथ अल्लाह, हाथ कहते हैं जंग करने को, लड़ने को, दुश्मनी करने को। अल्लाह और कयामत पर ईमान भी रखते हो, ये भी सिफत हो उनकी हकीकत में, और ये चीज भी उनके अंदर हो कि जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है और अल्लाह रसूल से जंग करते हैं उनसे मोहब्बत भी उनके दिलों में हो। ये दो चीजें है रसूल जिसके दिल में इकट्ठी हो ये नहीं हो सकती। या ईमान है अल्लाह की कयामत पर हकीकी, और अगर उसके दिल में अपने किसी अल्लाह के दुश्मन बाप की या बेटे की या भाई की या बिरादरी के किसी फर्द की, किसी चाचे की, किसी भाने की, किसी की ऐसे की जिसने अल्लाह उसके रसूल से जंग की है, अल्लाह उसके रसूल से जंग करता है, उसकी मोहब्बत भी अगर उसके दिल में है तो ए रसूल इसका दावा ईमान झूठा दावा है, असल में ईमान इसके दिल में दाखिल। बहुत देर बात कर रहे, सबके लिए मियार खुदा के दुश्मन जंग करने वाले उनके बाप औ अबना हो या उनके बेटे हो, औ इख्वाना हो या उनके भाई, औ अशीरत हो या उनकी बिरादरी के लोग, उनके कबीले के लोग, अशीरा यानी खानदान, नहीं करेंगे खुदा के दुश्मन से हकीकी मोमिन मोहब्बत नहीं करेंगे। जिसके अंदर ये सिफत होगी अल्लाह फरमा रहा है उलाइका, यानी जिनका ईमान बाकी है बाकी है, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया। ईमान एक ऐसी चीज का नाम है जो तासीर रखती है, और उसकी एक तासीर ये है कि जिसके दिल में जाता है सारी गंदगी निकाल के बैठ और दिल को साफ शफाफ कर देता है, ठीक है। सूरह हुजरात में कहा था कुछ बद्दू आए थे रसूलुल्लाह से, कहा कुरान ने बताया कालतिल आराब आमन्ना, आराब ने कहा ईमान ले आए, कुल लम तुमिनू, ऐ रसूल से कहो तुम ईमान नहीं लाए, समझे ईमान क्या चीज, क्योंकि ये आए थे अपना चक्कर चलाने के लिए, खाने पीने की चीजें कम हो गई थी इलाके में, तो
उसको अस्पताल एमरजेंसी में लेके जाते, क्या करते उसके अंदर की सफाई करते ताकि जहर के असरात अंदर से निकल जाए। ईमान जिसे कहते हैं अंदर से बंदे को साफ कर दे। अब आयत आपके जहन में रहे, अल्लाह क़यामत पर ईमान और अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वालों के साथ मोहब्बत, ये एक दिल में जमा नहीं हो सकती। या मोमिन है या अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत भी रखता है। अब जब इस्लाम को अल्लाह ने इक्तदार अता किया तो अल्लाह के नबी को पता था कि एक नंबर माल के साथ साथ दो नंबर और तीन नंबर और चार नंबर माल भी बकसरत आ जाएगा। मुसीबत के वक्त इस्लाम लाना कि जब कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, न साथी है साहब, न कोई माल है, भूख है, प्यास है, मार है, तशद्दुद है, ठीक है, उस वक्त ईमान लाना और बार, और जब सब तरक्की और इक्तदार मिल गया, ताकतवर हो गए, उस वक्त इस्लाम लाना और बात है। अब तो इस्लाम कबूल ना करो तो फंसोगे, दूसरे तीसरे दर्जे के सिटीजन के तौर पर जिंदगी गुजारो। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि ये जो खालिस मोमिन बन के नहीं आ रहे और जिनके दिलों में ईमान नहीं उतरा के धो दे, तो वो अपने रिश्तेदारों के बदले लेंगे उनसे जिन्होंने अल्लाह की खातिर उनके रिश्तेदारों को जंगों के मैदानों में मारा है, जिनको जिन्होंने इनके रिश्तेदारों को मारा है, ये उन लोगों से क्योंकि ईमान नहीं किया था। अगर दिल में ईमान गया होता तो इनको अपने वो मुशरिक बाप बुरे लगते और अपने मोमिन भाई अच्छे लगते। जहन में एक बात आ रही है, वाकई आ रहा आपको सुना दूं, अगर पहले नहीं सुना सुन लो। एक सहाबी है रसूलुल्लाह के, मुसअब इब्ने उमैर, ये बड़े अमीर थे, इनकी माँ बड़ी अमीर थी, रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए, बड़े अच्छे ड्रेस पहनते थे, बड़े फैन ड्रेस मशहूर थे मक्का में, खूबसूरत भी बहुत थे और शबाब भी थी रसूलुल्लाह के साथ। तो जब इस्लाम कबूल किया तो माँ ने कहा या उसे रख लो या ना, माँ काफिर थी, ठीक है, तो जनाब मुसअब इब्ने उमैर ने कहा कि मैंने उन्हें रख लिया रसूलुल्लाह। माँ ने घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया और जब मदीने आ गए, बुरी हालत, फटे पुराने कपड़े जिस्म पर, अजीब हो गया, रसूलुल्लाह को देख के रो पड़े। और जब उसने पाक रोए साहबा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसअब को देखो, जिसने इस शख्स को मक्के में देखा है वो हालत याद करे और आज दीन की खातिर मुसअब की हालत देखे। ये जब शहीद हुए थे ना तो इतना कपड़ा नहीं था इनके पास कि कफन पूरा हो जाए, अमीर मां का बेटा। मुसअब इब्ने उमैर का भाई जंगे बदर में कैदी मर गया, सगा भाई उसी मां का बेटा, जब एक मुसलमान उसको कैदी बना रहा था, उसके हाथ बांध रहा था, तो उसको उस भाई को अपना भाई नजर आया, मुसअब पर निगाह पड़ी। अब ऐसे मौके पर ऐसी मुश्किल में अपना भाई सगा नजर आ जाए तो बंदा कितना खुश होता है, वो भाई नजर आ गया, भाई से कहते मुझे आके बचाए। ईमान हकीकी क्या होता है ये देखिए आप जरा, ऐन आयत कुरान, इस दर ने भाई को पुकारा और कहा भाई मेरी आके मदद करो, ये मुझे कैदी बना रहा है। वो मुसअब इब्ने उमैर, वो मोमिन हकीकी, वो बड़े इत्मीनान से चलते हुए आए और बगैर इसके कि अपने मां जाए भाई की तरफ नजर उठाए, वो जो मुसलमान इसको कैदी बना रहा था उससे खिताब करके कहते हैं कि इसको कस के बांधना, इसकी मां से बड़े पैसे मिले, इसकी मां बड़ी अमीर है, इसकी मां के पास बहुत माल है, इसको छुड़ाने के लिए बहुत पैसे दे। भाई ने जो सुना तो उसको तो झटका लगा, ऐसे दीन फैलता कि जब अपनी रिश्तेदारियों की बारी आए तो दीन को साइड पे कर दो और जब अपनी रिश्तेदारियों की बारी ना हो तब उसका चौथी बार जब दीन के भेज कर दो तो कर दो, अपनी बारी आए सारे दूर अब यह कर लो, ये दीन से नहीं पहला इस्लाम। उसने कहा इसे कस के बांधो, इसकी माँ बड़ी अमीर है, बड़े पैसे मिलेंगे मुसलमानों को इसको छुड़ाने के। उसने मुसअब से कहा तो तू मेरा भाई हो ये बात कर रहा है, मुसअब ने कहा कि मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई ये है जो तुझे बांध रहा है। मेरा भाई कौन है जो तुझे बांध रहा है, जो तुझे कैदी बना रहा है, मेरा भाई ये है ईमान,
कि जब दिल में उतर गया तो फिर जो अल्लाह का दुश्मन भाई है वो भाई नहीं है, उस भाई को कैदी बनाने वाला अनजान वो भाई है। तवज्जो फरमा रहे जनाब सलमान फारसी, जिनको जनाब सलमान मोहम्मदी कहते हैं, पता है क्यों अल्लाह ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहले बैत, किसी महफिल में इकट्ठे हो गए बहुत सारे लोग और मदीना में, और बात शुरू हो गई हमारा खानदान हमारा खानदान, मेरा कबीला ये है, मेरा बाप मेरा दादा, जैसे होता तारीफें करने का आजकल भी शौक होता है, ठीक है ना, तारीफें करने, सब ने अपने अपने खानदान गिनवाए, बाप दादे गिनवाए, तारीफें की, एक सलमान रह गए, तो सब उनसे पूछा कि सलमान तेरा खानदान, सलमान ने कहा कि मेरा खानदान ये है कि मैं दीन को नहीं जानता था, अल्लाह को नहीं जानता था, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे खुदा से आशना कर दिया, ये मेरा खानदान, मेरा और कोई खानदान नहीं। अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी को पता चला कि इन सब महफिल वालों में से सिर्फ सलमान ने अपने तारुफ में दीन बताया, खानदान नहीं बताया। ये बात सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान का खानदान पूछते हो, सलमान मिन्ना अहले बैत, आज से हम सलमान को खानदान दे रहे, सलमान हम अहले बैत में से, ये दीन होता है। तो बच्चों फरमा रहे तो रसूलुल्लाह को मालूम था कि अली से सबसे ज्यादा असहाब रसूल में जिसने मुशरिकीन को मक्के वालों को कत्ल किया था उस हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब, सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला मुशरिकीन को, सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला यहूद, अल्लाह के रसूल के असहाब में जिसने सबसे ज्यादा मुशरिक मारे उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह के नबी को पता था जो दो नंबर मोमिन बनकर आएंगे वो अली से बदले लेंगे, लिहाजा अल्लाह के नबी ने लाइन खींच दी, सुर्ख रेड लाइन खींच दी, मेयार बना दिया और कहा ऐ अली तुझसे जो भी मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा और जो भी तुझसे बुग्ज रखेगा तुझसे नफरत करेगा वो सब कुछ हो सकता है मोमिन नहीं हो सकता वो मुनाफिक होगा। मैंने अर्ज किया कि ये लाड से नहीं कहा था, इसके पीछे जनाब अमीर का जिहाद और मुशरिकीन का कत्ल, जो किसी के रिश्तेदार किसी का कोई रिश्तेदार मारा गया था, उनको बताने के लिए कि अगर तुम्हें अली अच्छा ना लगे क्योंकि तुम्हारे बाप को मारा, अगर तुम्हें अली अच्छा ना लगे कलमा पढ़ने के बाद भी क्योंकि अली ने तुम्हारे चाचे को मारा, अली ने तेरे मामे को मारा, अली ने तेरे भाई को मारा, किसी भी अपने बुजुर्ग को याद करके उसकी मौत को, अली के हाथों से होने वाली मौत को याद करके अगर तुझे अली अच्छा ना लगे तो मैं अल्लाह का रसूल तुझे बता रहा हूँ कि तू मोमिन नहीं है, तू मुनाफिक है, तूने कलमा तो जाहिरी पढ़ा है, ईमान तेरे दिल के अंदर नहीं उतरा। जिसके दिल के अंदर ईमान उतरा है उसको सबसे ज्यादा प्यारा अली है। उसका चेहरा बिगड़ जाता तो हम समझ जाते कि इस बंदे के दिल में ईमान
नहीं। नारे कुछ मकामात ऐसे हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जो अगरचे इस हस्ती के जिसका जश्न मनाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, जितना इस हस्ती के फजाइल को छुपाने और जितना इस हस्ती की शख्सियत को मस्ख करने की कोशिश की गई है, तारीख इस्लाम में किसी और हस्ती के खिलाफ इतनी कोशिश नहीं की। हमारा ईमान बुग्ज अली अलामत इल्हाम, हब अली अलामत ईमान। तो मुझे फरमा जानते हैं कौन है? मैंने आपको आज किया अंसार और महाजन को जब भाई भाई बनाया तो मौला तन्हा रह गया। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मैं तन्हा रह गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अली तेरे लिए फार्मूला दूसरा है। ठीक है, फार्मूला क्या था? एक मुहाजिर एक अंसारी, एक मुहाजिर एक अंसारी। तो मुहाजिर थोड़े तो खत्म हो गए लेकिन अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तो जब मौला ने सवाल किया रसूलल्लाह से क्या रसूलल्लाह आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, तो जवाब क्या मिला? अली तेरे बारे में फार्मूला दूसरा है, तू इस दुनिया में भी और आखिरत में मेरा भाई है। यानी अंत अखी फि दुनिया वल आखिरत, तू दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है। इस अली के साथ क्या हो? मैं आपके सामने एक दो रिवायात बताना चाहूंगा ताकि आपको मालूम बगैर इफराद और तफरीद के इस कदर जिस हस्ती का मकाम रसूलुल्लाह दिखाए उम्मत को। कुछ ही अरसे के बाद रसूल का जमाना गुजरने के बाद ऐसा वक्त आ जाए कि अलल ऐलान हुकूमती मिंबरों से उस अली को बुरा भला कहा जाए, अल अयाज़ु बिल्ला नबी के इस भाई पर लानत की जाए, ये कैसे होगा? अली शहीद हो गए, बात खत्म कर। ऐसा जिसको अली से मोहब्बत है ना वो भी चोटी की है और जिसको अली से दोस्त है ना वो भी फिर बेमिसाल है। उसका बस नहीं चलता कि अली मौजूद है या अली मौजूद नहीं है, मैं क्या करूं? मोहब्बत वाला कैसा होता है? एक 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 मोमिन ने एक मोमिन से गलती हो गई जनाब अमीर की खिलाफत के जमाने में, उसके खिलाफ सबूत फराम हो गया और अल्लाह के इस वली ने उस पर हाथ जारी कर दी, उसका हाथ काट दिया, हाथ कटवा के निकला, खून बह रहा है उंगलियों से, पट्टी वगैरह लगी होगी, खून बह रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफ होती है कि मैं जनाब अली अली करता रहा और मेरा लिहाज नहीं किया, हाथ जारी कर बाहर निकला तो जो मौका परस्त होते हैं ताने देने वाले, ठीक है ना, उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूँ, अब मजा आया अली अली जो तुम किया करते थे और अली से मोहब्बत और ये अब मजा आया, देखो अली ने तुम्हारे साथ क्या किया। हदीस क्या है? मौला फरमाते हैं ना कि मैं बगैर कसूर के नाक काट दूं तब भी मोमिन बुक्स नहीं रखेगा मुझसे और वो मुनाफिक को सारी दुनिया दे दूं तब भी मोहब्बत नहीं करेगा। ये ऐसी जगह हमें बताती है। अब हाथ कटा हुआ है, जब ये ताना सुनता है तो होना क्या चाहिए था? उनके साथ मिल जाता, आज तो बात मैं नहीं ना देता नहीं था, लेकिन क्या कहा? कहा अली ने कोई बुरा सलूक नहीं किया, अली ने मुझे मेरे गुनाह से पाक किया, मैंने जुर्म किया था, मैंने अल्लाह की हद क्रॉस की थी। अली ने तो जो खुदा ने दुनिया में मेरी सजा रखी थी वो सजा मुझे देकर मुझे जहन्नम के अजाब से बचा दिया, अली ने मुझ पर एहसान किया, ये है हकीकी मोमिन। और एक बात भी था, वो तारीखी बात है, वो शायरी करता था और बहुत ज्यादा मौला के दुश्मनों के खिलाफ शेर लिखता था और मौला के फजाइल में बड़े शेर लिखते, बहुत कुछ शेर थे। एक दिन उसके किसी पुराने यार ने उसको माह रमजान में उसको शराब पिला दी। उसने कहा शराब मैंने बड़ी जबरदस्त मंगाई है तो आज जरा
पुराना दौर याद गुज़श्ता दिनों की ताज़ा करते हैं तो वो चले गए पी। अब जब पी के ज़रा आउट हो गए तो लोगों को पता चल गया और मौला जी को इतला दी गई, मौला ने बंदे भेजे पकड़ने के लिए, तो वो जो जिसने इन्वाइट किया था वो तो फरार हो गया और ये पकड़ा गया। अब जब ये पकड़ा गया इसका कबीला मौला अली के पास आके सिफारिशें करने के लिए, इसके यार बेली कबीले वाले ठीक है अली को पहचानिए, उन्होंने कहा कि या अली पहले आपकी वजह से हमें बड़े ताने मिलते हैं, पहले हमें लोग बुरा भला कहते हैं कि तुम इसके साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो, और अगर आपने हमारे बंदे को सजा दे दी तो हमारे हाथ तले तो कुछ नहीं रह जाए, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मौला अली ने फरमाया ठीक है, इसको कोड़े लगाए जो शराब पीने की हद थी वो मौला ने इस पर जारी की और 10 एक्स्ट्रा मिले। अब तो गौर आग लग गई, उन्होंने कहा तू सर चलो मार लिया ठीक, तुसी 10 ज्यादा क्यों मारे? तो मौला ने फरमाया इसलिए कि इसकी शराब पीना तो इसने जुर्म किया था लेकिन इसका एक और जुर्म भी था, एक वो महीना जो मेरे अल्लाह का बड़ा मोहतरम महीना है इसने उस महीने की भी तौहीन की, माह रमजान में जिस वक्त रोजा रखना होता है इसने उस वक्त भी जुर्म किया, ये 10 एक्स्ट्रा कोड़े उस जुर्म। पता क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने कहा चंगा फिर साडा सलाम है, असि शाम जा रहे जिते साडे कदरदान मिल से सन ठीक है, थानू साडा कदर ही कोई इतनी असि बेहतर करिए तरीफा करिए तो तुझ सा बेहतर बात असि जा रहे छोड़ के जा रहे। कितने लोग अली को छोड़ कर चले, तारीख पढ़े आप। एक एक गवर्नर था मक्का का, जब मौला अली खलीफा बने उन्होंने कहा जो कुछ है तुम्हारे पास, उस वक्त बैंक नहीं थे कि अकाउंट हो फलान हो, वो जो उसका जो होता था अपने पास रखा होता था, मौला ने कहा जितना तेरे पास पड़ा हुआ सारा ले गया मुझे हिसाब दे पिछले टेन्योर में तूने क्या क्या करतब दिखाए। उसने अपने यारों बेलियों से अपनी कमेटी से मशवरा किया कि अली ने बुलाया है मदीना में तुम क्या मशवरा देते हो, उन्होंने कहा आप क्या मशवरा दे बंदे को तो अच्छी तरह जानता है उसने क्या करना है उसको तो अच्छी तरह जानता है लिहाजा खुद देख ले, हमारा मशवरा यह है कि दूसरी पार्टी के साथ भेजो। इसने अपना सामान घोड़ों गधों कचरों पर लाकर जो कुछ था और डायरेक्ट फ्लाइट थी इसने कहा कि सीरिया को राजा कितने लोग अली तरह अली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं यार इस अली के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा किया गया तूफान बदतमीजी, बहुत सारे वाकयात है तारीख की किताबों में भरे पड़े कि अगर किसी महफिल में कोई अनजान बंदा कहता था कि ये अली का नाम सुना अली कौन था तो कोई खबीस बैठा हुआ कहता था ये मदीने का एक चोर चक्का खबर गया, लोगों ने मार दिया इसको चोर अलहयाज हो गया। ये जुबानें थी किनकी? तारीख ने अपनी गवाही दी हुई। एक दो अभी आपके सामने मैं एक दो से ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा हदीस, कि आप तवज्जो फरमाएं ये हस्ती कौन सी हस्ती है और इससे बुक्स रखने वाले कितने अपने बुक्स में आगे गए, ये भी आप सुन लें क्योंकि दोनों अतराफ बयान करनी चाहिए, सिर्फ एक ही साइड पर ज्यादा जरूर नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है, इस फरमान को लिख लो, इस अल्लाह के नबी के फरमान के साथ जुड़ा हुआ मौला अली का भी फरमान और वो नजीब बलागा भी मौजूद है। मौला अली ने फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली आपकी मिसाल मेरी उम्मत में वही है जो ईसा की मिसाल बनी इसराइल में थी। हजरत ईसा किस कौम के लिए आए थे? कुरान बता रहा है وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں تھے جو حضرت موسیٰ کے دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی اولاد تھے۔ تو کیا ہوا؟ ایک قلیل تعداد ایمان لائی
उस वक्त जब मौजूद थे, और बाकी यहूदियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो तो अल्लाह ने उठा लिया, इन्होंने समझे आपने कत्ल करवा दिया इसको। तो ये इनका बुक्स, हजरत मसीह से बुक्स रखने वालों की हरकत कि उनके कत्ल की कोशिश करते रहे। और दूसरी तरफ उनकी कौम ने क्या किया, जब अल्लाह ने उनको उठा लिया, यही हजरत ईसा जो अल्लाह की तरफ दावत देने आए थे, जो खुदा की तौहीद बयान करने आए थे, बयान करते रहे जब तक इनके दरमियान रहे, उन्हीं के नाम पर शैतान ने इनको वो गुमराह किया कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फजाइल पढ़ते पढ़ते हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा और अल्लाह बना दिया कुरान में, और कुरान का इस्तेमाल किया बोलो قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو ان آیات ہی کے پس منظر میں, ان کی روشنی میں توجہ کے ساتھ سنیے, اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل میں عیسیٰ۔ کیسے فرمایا؟ ایک گروہ نے بنی اسرائیل کے عیسیٰ سے بغض رکھا اور بغض عیسیٰ میں جہنمی بن گئے, اور ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے عیسیٰ سے ایسی محبت کی, محبت میں وہ غلو کیا کہ اس غلو کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے حلال, اور ایک گروہ نے نجات پائی کہ جو ان دونوں اطراف سے بچا ہوا, نہ بغض رکھتا تھا اور نہ محبت میں غلو کرتا۔ آج جو آپ بعض لوگوں پہ دیکھتے ہیں, خاص طور پر میرے وہ بزرگوار کے جو منقبتیں پڑھتے ہیں اور یہاں میں تشریف فرمائیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس سال کی اگر آپ منقبتیں سنیں تو آپ کو میوزک زیادہ سنائی دے گا گزشتہ سالوں سے, آپ کو ناچنے گانے کے انداز زیادہ دکھائی دے گے, ہوشیار ہو جائیں, اب اس آیت کی زد میں نہ آ جائیں جو مکہ والوں کو کہہ رہی ہے کہ ان کی نماز کیا ہے, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نا, اگر ہم جشن مناتے ہیں کیا سمجھ کے مناتے ہیں, ذکر علی عبادت, عبادت کس کی ہوتی ہے, عبادت کس کی ہوتی ہے, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, چونکہ علی کا ذکر ہمیں اللہ کی یاد کرا, توجہ فرما رہے ہیں, اور اگر اس انداز میں ذکر کیا جائے کہ اللہ بھول جائے اور کنسرٹ اور میوزیکل گروپ ہمیں یاد کرے, ناچنے گانے پہ ہم لگ جائیں, یہ وہ ذکر نہیں ہے, یہ وہی کام ہے جو حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ ابلیس نے کیا, ان کی محبت میں تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کا نام نماز رکھا ہوا تھا, مشرکین مکہ نے قرآن تکلم نہیں کرتا, فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا بكاء وتصدیہ, اور ان کی نماز کیا ہے بیت اللہ کے پاس سوائے تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے, جس کے اندر ایمان ہو اس کی تو زبان بھول جائے کہ دین کے کسی معاملے میں تالیاں بجائے اور سیٹیاں بجائے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, ہیپی برتھ ڈے مولا علی, نہ کرو, کم از کم طریقہ تو مومنوں والا اپناؤ, قرآن کی آیت ہے جو مومنوں کی سبیل, مومنوں کا راستہ, مومنوں کی روش کے علاوہ کوئی راستہ چنے گا ہم اسے اسی راستے کے سپورٹ کر دیں گے۔ تمہارے اللہ کے رسول نے کب رہنمائی کی تھی کہ تمہیں نئی نئی چیزوں میں مزہ آ رہا ہے, تمہیں ان چیزوں میں زیادہ مزہ آنا شروع ہو گیا, اللہ اور رسول کی سادگی سے بور ہو گئے ہو, اہل بیت کی سادگی سے جس میں ناچنا ٹاپنا نہیں ہے بلکہ منع کیا ہوا ہے, اس سے بور ہو گئے ہو کہ اب تم ناچنا ٹاپنا شروع ہو گئے, مر شروع ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ عورتیں شروع ہوں گی, اور پھر فرق کوئی نہیں رہ جائے گا, ان کو دیکھ لو, یہ کر دیکھ لو, کہاں جا رہے ہوشیار۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں کہ یاد رکھو, توجہ کے ساتھ سن لو, کوئی خطیب, کوئی مولانا, کوئی علامہ, کوئی ذاکر, کوئی شاعر اگر ایسی بات کر رہا ہو جس میں اہل بیت کی کسی ہستی کو اللہ سے ملانے کی کوشش ہو رہی ہو, اللہ بھی ایسا, یہ بھی ایسے, اللہ بھی یوں, یہ بھی یوں, سمجھ لو کہ آپ کو شرک
और कुफ्र की वादी में धक्का देने की कोशिश हो रही है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या लिबास में हो चाहे किसी और लिबास में हो, बच जाओ उससे कि जो अल्लाह की इन मुकद्दस मखलूकात को अल्लाह के साथ शरीक बनाते। और लोग खुशी में आगे से नारे लगाना शुरू कर देते, क्यों? इसलिए कि दीन अहले बैत के बताए हुए तरीके से नहीं सीखा, जिसमें पहला नंबर अल्लाह के कुरान का होता है। सीखा फिर वही होगा जो मसीह के साथ शैतान ने कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में बात कम है। ये अल्लाह के नबी के चंद फरमान आपको सुनाना चाहता हूँ, ये जरा सुन लीजिए, बहुत अहम। उस माहौल को समझिए जो अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद बन गया था, कि एक मकाम ऐसा है कि जिनकी खुशबू बदन की सूंघ कर अल्लाह के नबी कहते थे ये जन्नत की खुशबू है, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनको भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। ये सोचने की बात नहीं। अब ये रिवायत सुनिए, ये रिवायत माहौल बताएगी कि उस जमाने का माहौल क्या। हमारे जो अहले सुन्नत भाई हैं उनमें जो मारूफ तारीफ है, डेफिनेशन है सहाबी की, वो ये है कि जिस शख्स ने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा हो वो सहाबी, रसूलुल्लाह से मुलाकात की। और वो लोग के जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा लेकिन किसी सहाबी को देखा उससे मुलाकात की है, उन्हें कहते हैं ताबेई, ठीक है। और जिन्होंने किसी ताबरी को देखा हो, सहाबी को ना देखा हो, रसूलुल्लाह को ना देखो, किसी ताबरी से मुलाकात की हो, उन्हें कहते हैं तबे ताबी, ठीक है। यानी उससे भी अगला वाला जो दर्जा है। ये बेसिकली बनाया गया था अहादीस की सनद सेट करने के लिए कि फलां शख्स के सहाबी है, इसका सहाबी होना साबित है, से मुलाकात साबित है, लिहाजा अहादीस की सनद जोड़ दी। अगर कोई बंदा रसूल पाक से मिला ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, उसको तारीख में मुलाकात हुई हो, तो फिर उसको वो सनद जो है उसमें गड़बड़ हो गई। तवज्जो फरमा रहे। तो ये अब सुनिए, ये सही बुखारी की हदीस है कि इबारत यहाँ की पढ़ रहा हूँ, सैयदुना मुसअब इब्न सअद ताबी अपने वालिद सैयदुना सअद इब्न अबी वक्कास, ये मशहूर मारूफ सहाबी सअद इब्न अबी वक्कास से बयान करते हैं, यानी उनसे रिवायत सुनकर आगे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने गज़वा तबूक के रसूलुल्लाह गज़वा तबूक के लिए रवाना हुए तो आपने सैयदुना अली इब्न अबी तालिब को अपने पीछे कायम मकाम के तौर पर छोड़ा। इस पर उन्होंने यानी मौला अली ने आपकी जुदाई पर इजहार अफसोस करते हुए पूछा, आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। मौला अली जो मैदानों का शेर आगे आगे रहता है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे पीछे भी छोड़ के जा रहे हैं। और इसी तबूक के बारे में बात लोगों के बारे में अल्लाह ने आयात नाजिल की कि इनको इन्होंने ये पसंद किया कि औरतों और बच्चों के साथ रह जाए, तो अल्लाह ने भी पसंद नहीं किया है रसूल के याद के साथ जाए, ठीक है। अब ये आयात उतरी हुई थी तो कुछ मुनाफिकों ने ताने दिए, ये भी पीछे छाड़ देता अली नूमी, ठीक है। मुनाफिकों का पहला टारगेट अली मुर्तजा, ठीक है, पीछे छोड़ दिया, क्या हो गया, नाराज हो गए, अली ने बहाना कर दिया, साथ में जा रहे, थोड़ा लश्कर चला था, मौला अली भाग के रसूलुल्लाह के पास, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे। सुने तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ अली क्या तुम इस बात पर खुश नहीं कि तुम्हारा मुझसे वही रिश्ता है जो हारून का मूसा के साथ था। हजरत मूसा दूर पे गए थे, पीछे हजरत हारून को दुआ मांगी थी, अल्लाह हारून को मेरे भाई को
मेरा वजीर बना और मेरे काम में उसको मेरा शरीक कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने मैं ये कहा करता हूँ कि जिसने रिश्ता देखना हो अली और नबी का, तो मौला की रसूल पाक की हदीस तो साबित है ना कि मेरी आपसे वही नस्बत है कि जो मूसा और हारून की थी, तो अब जिसने देखना होगा वो नस्बत कौन सी थी, वो अल्लाह की किताब उठा के देख ले, उसे खुद पता चल जाएगा कि अली और नबी के दरमियान कौन सा रिश्ता कायम है, क्योंकि कुरान वाली मिसाल थी। तवज्जो फरमाएं जरा और सुनिएगा। अब इसके आगे सही मुस्लिम की हदीस है, इन हदीसों के नंबर भी मेरे पास है अगर कुछ आए तो। सैयदना साद इब्ने अबी वकास बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली तेरी मुझसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सैयदना सईद ताबई कहते हैं कि मेरा दिल चाहा कि मैं बराए रास्त ये हदीस साद इब्ने अबी वकास से सुनूं। ये दिल क्यों चाहा? इसलिए कि दिल मार कर रही थी, अली के बारे में इतनी गलत बातें सुनी हुई थी, ठीक है, तो दिल ही नहीं कबूल करते थे। अगले हदीस के अल्फाज बताएंगे इस बात, दिल ही नहीं मानते थे कि अली की इतनी बड़ी फजीलत और अली की, हारून और मूसा का रिश्ता, अली और रसूलुल्लाह का रिश्ता ये, और हमने क्या क्या सुन रखा है छोटे होते से अली ये बताया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। तवज्जो, मैं तेरा दिल चाह कर मैं बराह रास्त की हदीस सैयदना साद इब्न अबी वक्कास से सुनूं, चुनाचे मैं सैयदना साद इब्न अबी वक्कास से मिला और उन्हें इसी तरह की हदीस सुनाई जो मैंने उनके बेटे आमिर इब्न साद से सुनी थी। इस पर सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया, हाँ मैंने रसूलुल्लाह से इसी तरह सुना, अली और रसूलुल्लाह की नस्बत के बारे में। ब्रैकेट्स में यहाँ लिखने वालों ने लिखा, ये सूरत है, ब्रैकेट्स में लिखा है, नोट, वो चूंकि हजरत मुआविया इब्न अबी सुफयान का दौरे बनु कियत था और बनु उमैया के मेंबरों से सैयदना अली पर लानत करने की बिदअत का रिवाज आम था, जिसकी तफसील आगे हदीस में आ रही है, तो ऐसे हालात में सैयदना अली इब्न अबी तालिब की इतनी शान बयान करने वाली हदीस को हजम करना इंतहाई मुश्किल काम था। चुनाचे सैयदना सईद ताबी कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, क्या बात, फिर पूछा, एक दफा सहाबी रसूल कह रहे फिर भी यकीन दिल नहीं मान रहा, मैंने फिर पूछा, क्या वाकई आपने खुद रसूलुल्लाह से सुना था? चुनाचे सैयदना साद इब्न अबी वक्कास ने अपनी दोनों उंगलियां कानों पर रखकर कहा, अगर मैंने ना सुना हो तो अल्लाह मेरे ये दोनों कान पहरे कर। ऐसी बात बंदा कब करता है? आपके थक के, ठीक है ना, कि मैं कह रहा हूं कि मैंने सुना है, तुम मान, मैं रसूलुल्लाह का साहबी हूं, फिर कह रहे हैं नहीं आपने वाकई सुना है, ये बात कौन कहता है सर, इसका दिल नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ना सुना हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अल्लाह इन दो कानों से सुना है ना, अल्लाह मेरे इन दो कानों को छीन ले मुझसे, मुझे बहरा कर दे अगर मैंने इन कानों से अल्लाह के रसूल की ये बात न सुनी। इस नबी के हारून के साथ क्या सलूक किया गया मेंबरों पर, क्या सलूक किया? और देखिए अहमद इब्न हंबल मशहूर शख्सियत है अहल सुन्नत के, जो चार आइम्मा हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करते हैं हमारे सुन्नत भाई, उनमें से एक मशहूर अहमद इब्न, इमाम अहमद इब्न हंबल, एक किताब है अल मुस्तदरक लिल हाकिम, हाकिम निशापुरी किताब है हदीस की, उसमें हाकिम निशापुरी कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते थे रसूलुल्लाह के तमाम, अली की फजीलत देखिए, उसके फजाइल के जिसके फजाइल, ये भी अहमद इब्न हंबल से जुमला लेकर किया गया है कि मैं तुम्हें तो उसके फजाइल क्या बताऊं कि जिसकी फजीलतें उसके दोस्तों ने जान के खौफ से छुपाई और उसके दुश्मनों ने उसके बुक्स की वजह से छुपाई, फिर भी उसके फजाइल तमाम से ज्यादा है। यह वो जुमला सुनिए, अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते थे रसूलुल्लाह के तमाम सहाबाए कराम में किसी भी शख्सियत के लिए इतने ज्यादा फजाइल नहीं आए जितने के सैयदना अली इब्न अबी तालिब के लिए फजाइल आए अल्लाह के रसूल की जुबान से। ये कब? कि जब छुपाने वालों को छुपाया, बताने वालों को मारा गया। आपको पता है जिनके दिलों में हुब्बे अहले बैत अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दिए, वो फिर बयान करते हैं, फिर वो शिया और सुन्नी का फर्क भी देखते हैं,
बयान करते, एक मैंने आलिम को सुना बता रहे थे, बयान कर रहे थे कि तालीम उठा के देखो, एक लंबी मुद्दत ऐसी गुजरी है कि तुम्हें किसी घर में किसी का नाम ना अली मिलेगा, ना हसन मिलेगा, ना हुसैन मिलेगा। वो तो आज अल्लाह ने वादा किया हुआ था ना कि इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना शादिया का हुआ अबतर, तेरे दुश्मन का नाम नहीं रहेगा। वो तो अल्लाह ने जो वादा किया हुआ था, आज अल्लाह ने घर घर में अली और हसन और हुसैन और फातिमा पैदा कर दिए जिनके ये नाम है। लेकिन एक जमाना ऐसा गुजरा कि इतना डर था लोगों को कि कोई अपने बच्चों के नाम अली के नाम पर नहीं रखता था। वो नाम कि जो रसूलुल्लाह को जिस नाम से मोहब्बत थी। एक मदीने में गवर्नर लगाया गया बनू उमैया के दौर में। उसका काम क्या था, जो भी उसे मिलने जाता था उसे कहता था ए थोड़ा जो मेंबर थे थानू भी टैग देना है, ठीक है। तो जो ज्यादा शौकीन होते थे कहते थे जी ठीक, प्रोटोकॉल है ना, मदीने का गवर्नर आपको मेंबर पे टाइम दे रहा है। तो वो कहता था थोड़ा जो एक मसला हो तो जरूर गाल करनी, आवाम को पता होना चाहिए क्या बात करनी है, अली पे लानत करनी है, तकरीर कोई तो मर्जी है लेकिन उसके स्टार्ट एंड पे ना अली पे लानत जरूर करनी है ताकि आवाम को पता चले अली कितना खतरनाक है। ये शख्स ये वाली बात एक इस रिवायत के मुताबिक वो मौजूद है, उसका नंबर भी किताब भी सही सनद। एक सहाबी सहल इब्न साद साइदी, उनको एक शख्स ने आकर बताया कि जो मदीने का गवर्नर है ये लोगों को गुलाम बुला के कहता है कि गालियां निकाल उसको, लानत करो अली को मिंबरों पे। उन्होंने पूछा क्या कहता है, सुनेंगे। उसने बताने वाले बताया कि ये कहता है कि मदीने का गवर्नर लोगों से कहता है कि तुम अगर अली का नाम नहीं ले सकते ना तो यूं कहो नाउस बिल्ला लान अल्लाह अबा तुराब, अबू तुराब पे। अब ये जो बनोरिया थे ना ये चूंकि तुराब मिट्टी है ना तो ये एक घटिया नाम के तौर पे यूज करते थे, ठीक है। जैसे किसी का किसी के नाम ऐसा रखा जाए कि जिसमें उसकी तस्वीर हो ताकीर हो, इसको यूज करते थे। जब सहाबी रसूल ने सुना तो उसने कहा, उन्होंने फरमाया कि अजीब, तुम्हें पता है अली को सबसे ज्यादा यही नाम पसंद था क्योंकि अली का ये नाम रसूलुल्लाह था। अली को इससे क्या प्रॉब्लम हुई, इसको अबू तुराब के ये बेवकूफ समझते हैं कि इस नाम में अली की तौहीन है, जबकि अली को सबसे ज्यादा ये पसंद था इसलिए कि सबसे पहले अबू तुराब किसने कहा था अली को, रसूलुल्लाह ने कहा था। इतनी वाज़े बातें होने के बाद मिंबरों से शहादत अमीरुल मोमिनीन के बाद साल हर साल इमाम हसन के बारे में, इमाम हुसैन जवानान जन्नत के सरदारों के बारे में साल हर साल ये मसाइल चलते रहे। क्यों? बाद में बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत मुहिब्बान अहले बैत उन्होंने ये जो सूरत हाल बन गई थी मौला अली और औलाद अली के बारे में इसकी इस्लाह की कोशिश की और इन अहादीस के जरिए। आपको पता है इमाम नसाई सिहा सित्ता में से एक किताब उनकी है सुनन नसाई, नसाई नून पे जबर नसा मशरक के पास का एक इलाका है खुरासान गांव वहां के अहले सुन्नत के अहादीस के आइम्मा में से इन्होंने दमिश्क का सफर किया, दमिश्क का सफर किया और वहां पे देखा कि लोग मिंबरों पर अली की तौहीन करते हैं। इन्होंने इनके पास जो हदीसें थी रसूलुल्लाह की अली के फजाइल में इन्होंने जमा की और उसका नाम रखा खसाइसुल इमाम अली इब्न अबी तालिब। जब दमिश्क के नासबियों को पता चला कि अली की शान में किताब लिखी गई है उन्होंने मुतालबा किया कि इस किताब को खत्म करो, इन्होंने खत्म नहीं की, डट गए। अगरचे पता था मुझे मारेंगे, पता था मुझे मारेंगे। ये इमाम ज़हबी है, इमाम ज़हबी सीयर व आलाम नुबला बहुत बड़े आलिम है अहले सुन्नत के, उन्होंने ये वाकया अपनी उस किताब में लिखा है सीयर व आलाम नुबला। बड़ी बड़ी शख्सियात जो इस्लाम में गुजरी है उनकी सीरतें उनके हालात जिंदगी, इन्होंने मुतालबा किया इस किताब को खत्म करो, इमाम नसाई ने खत्म नहीं की।
ताकि ये रसूलुल्लाह की हदीस है। फिर एक और मुतालबा किया गया, इसको मैं बयान नहीं करता यहां पर, कहा कि फिर ये काम हमारा कर दो। उन्होंने कहा इसके बारे में रसूल पाक की हदीस है ही नहीं कि फजीलत में तुम्हें क्यों बयान करो, कर सकते थे किसी जेब को उठा के लगा देते, जान बचा देते, नहीं। अब जब ये हुआ तो शामी आग में भूले हुए, उन्होंने इनको मारना शुरू किया। इमाम नसाई मारना शुरू किया लाठियों से, ठुड्डों से मार मार के इतना ज्यादा जख्मी कर दिया कि बाद में इन्हीं जख्मों से उनकी वफात हो गई, दुनिया से चले गए। हम कहेंगे शहादत हो, क्यों? वो बेअदबी हुई। अली के फजाइल का दिफा करते हुए किसके सामने? कलमा पढ़ने वालों के सामने शहीद कर दिया गया। क्यों उन्होंने नहीं इनका मुतालबा माना? क्योंकि उनको पता था कि मैं अगर मेरा हदीस के अंदर जो मकाम है मुसलमानों में, अगर मैंने अपनी जुबान से एक गलत हदीस बयान कर दी जान बचाने के लिए, तो ता कयामत मेरी हदीस अली के खिलाफ इस्तेमाल होगी। मेरा नाम लेकर कि इमाम नसाई के नजदीक उन्होंने ये हदीस बताई है, जान दे दी, पूरे शहर को मुखालिफ बना दिया अपना, लेकिन एक हदीस भी नाजायज तरीके से उनको नहीं बताया। तो ये जो तर्क हकायक है इनको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने अली ही के बारे में क्यों कहा, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुझसे बुग्ज नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, सिर्फ अली ही के बारे में क्यों कहा? इसलिए कि उस गैब की खबरें देने वाले अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया था कि ऐ नबी तेरे बाद इस खानदान के साथ पूरा सुलूक होगा। दास्तान क्या है? क्या दास्तान है? तारीख भरी पड़ी। अपनी बात को मैं तमाम करता हूं, बहुत सारा वक्त मैंने आपका लिया। आखिरी जुमले के तौर पर एक बात याद रखिए, मौला का एक मशहूर मालूम जुमला है कि ऐ मेरे खालिक ऐ मेरे अल्लाह, तू वैसा है जैसा मैं अली चाहता हूं। मैं जितनी खूबियां सोचू जितनी अच्छाइयां सोचू तुझे वैसा पाता हूं, कोई कभी नहीं पाता, बस मुझ अली को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। इस दुआ पे आज की इसको हम जश्न को खत्म करते हैं। पहले तो ये ऐ अल्लाह मौला की तकलीद करते हुए मौला को फॉलो करते हुए, ऐ अल्लाह ऐ खालिक ऐ राज़िक ऐ एहसान करने वाले, ऐ गुनाहों को माफ करने वाले, ऐ रहमत नाज़िल करने वाले, तू ऐसा ही है जैसा हम चाहते हैं, हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। एक और जुमले से जुड़ा हुआ, ऐ अल्लाह हमारा मौला अली वैसा है जैसा हम चाहते हैं, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हमारा आका हमारा मौला अली ऐसा है जैसा हम चाहते हैं, ऐसा था जैसे तेरा रसूल चाहता था, अली ऐसे थे जैसे हम चाहते हैं। ऐ अल्लाह आज के इस मुबारक दिन जो गुजरा है इसके सदके में, अली के सदके में हमें वैसा बना दे कि क़यामत के दिन अली हमें अपने गुलामों में कबूल करे। ऐ परवरदिगार कुरान मजीद अहले बैत अतहार के सदके, रसूलुल्लाह के सदके, बिलखुसूस आज के इस मौलूद के सदके, अली मुर्तजा के सदके, ऐ परवरदिगार हमें इनके सच्चे गुलामों में शुमार करो। ऐ परवरदिगार इन अपनी महफिलों जश्न की महफिलें हों या अज़ा की महफिलें हों, ऐ परवरदिगार हम अपनी महफिलों में कोई ऐसा काम न करें जिससे तू नाराज हो, जिससे तेरा नबी नाराज हो, जिससे अहले बैत अतहार नाराज हो। ऐ अल्लाह तूने कुरान में फरमाया मेरा जिक्र वैसे करो जैसे मैंने तुम्हारी रहनुमाई की है,
और याद रखो इससे पहले तुम गुमराही में थे। ऐ परवरदिगार हमें दीनी महाफिल को उस तरह अंजाम देने की तौफीक अता फरमा जिस तरह तेरे दीन ने रहनुमाई की है, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जो गुमराह लोग करते हैं, तेरे दीन से दूर लोग करते हैं। ऐ अल्लाह वो रस्में, वो अंदाज, वो तौर तरीके जो मुसलमानों और मोमिनों के नहीं है, जो हमें अल्लाह के रसूल और अहले बैत के फरामीन में नहीं मिलते, ऐ अल्लाह उन तरीकों के शर से हमारी महफिलों को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बानियों को, हमारी अंजुमनों को, जो मसाजिद की अंजुमने हैं, जो इमाम बारगाहों की अंजुमने हैं, ऐ अल्लाह इन मामलात में उनके शऊर और उनकी बसीरत और उनके एहसास जिम्मेदारी के कितनी बड़ी अमानत कुछ अरसा उनको दी गई है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उनके इस शऊर और मारफत में मजीद इजाफा फरमा और उनकी इस जिम्मेदारी को अदा करने में उनकी मदद फरमा। ऐ परवरदिगार इन तमाम मोमिन मोमिनात जो आज के इस जश्न में शरीक हुए, ऐ परवरदिगार जो भी अपने दिल में कोई हाजत रखते हैं, कोई मुश्किल रखते हैं, कोई परेशानी रखते हैं, मौलूद काबा के सदके सब की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। ऐ परवरदिगार कुरान करीम और अहले बैत अतहार के सदके हमें उसी रास्ते पर चलने और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा जो कुरान और अहले बैत अतहार ने हम सबको दिखाया है। ऐ परवरदिगार हम सब का खात्मा खैर पर और ईमान पर और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा और ऐ परवरदिगार हमारी आइंदा नस्लों को नेक और साले करार दे, बिलखसूस जो बानी बने आज के जश्न के, जैसे कि हमारे अजीज सत्यन भाई ने नाम भी लिए, ऐ परवरदिगार उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा और जो बानी बने उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।